उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। चार जिलों के रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ नैनीताल जिले के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में भी भारी बारिश की आशंका है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। जिला अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। दो दिन तक IRS के अधिकारी भी हाई अलर्ट पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में बारिश का जो सिलसिला है वो बना हुआ है। लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। वही हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में लगातार बारिश जो है हो रही है, लगातार मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है, तो वहीं अब जिला अधिकारियों के साथ साथ IRS की टीम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो मॉनसून सीजन में लगातार यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। और पिछले 15 दिनों का जो फोरकास्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, वो सटीक साबित हुआ है। और आज की बात की जाए, आज और कल के लिए दोबारा रेड अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के 4 जनपदों, जिसमें पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली जनपद शामिल है। चारों ही जनपदों की अगर बात की जाए तो दूरस्थ और पहाड़ी जनपदों में ये शुमार किए जाते हैं। नैनीताल को थोड़ा सा मैदानी जनपद जरूर कहा जा सकता है, लेकिन सभी पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर लगातार मौसम खराब होने के चलते कई दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। अब जब एक बार फिर से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट इन 4 जनपदों के लिए जारी किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता और परेशानी बढ़ी है, जिसके चलते शासन की तरफ से भी सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो जिला प्रशासन के साथ अन्य टीमों को भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसके चलते त्वरित गति से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया जा सके। देहरादून की अगर बात की जाए तो देर रात से यहाँ पर लगातार बारिश जारी है, और जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट में देहरादून को शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है कि आने वाले समय में अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ बारिश होती है तो उसको लेकर कैसे यहाँ पर संजीदगी से काम होना है और कितने त्वरित गति से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा सकते हैं। जी अजीत, कई बार रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है बारिश को लेकर प्रदेश में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, लगातार अगर बात करें पिछले 10 से 15 दिनों की, तो प्रदेश में लगातार बारिशें हो रही हैं, लगातार जलभराव की जो स्थिति है बनती हुई नजर आ रही है, और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है प्रदेश में। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो रेड अलर्ट जारी किए गए थे, अभी तक प्रदेश की जो जनता है उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है प्रशासन की वजह से, प्रशासन की नाकामी की वजह से? बिल्कुल अभिषेक, अगर देहरादून से ही शुरुआत की जाए, यहाँ पर पूरा सरकार और शासन प्रशासन का अमला जमला बैठता है, लेकिन देहरादून के ही कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी की भीड़ चढ़ चुके हैं। पानी के ब्लॉकेज के चलते लोगों के घरों में काफी नुकसान हुआ है। कल की ही अगर बात की जाए, रविवार था और देहरादून जो सबसे बड़ा यहाँ पर कोविड अस्पताल भी है देहरादून का, दून अस्पताल, वो भी पूरी तरह पानी में तैरता हुआ नजर आया, जिस तरह की तस्वीरें आरएन टीवी ने प्रमुखता से दिखाई भी थी। तो कहीं ना कहीं जो बरसात के बाद के हालात है वो बद से बदतर है। प्रशासन जरूर यहाँ पर बेहतर व्यवस्था के दावे कर रहा है, लेकिन राजधानी देहरादून में ही अगर दून अस्पताल, जो सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है प्रशासन की तरफ से, अगर उसमें सामान और पूरी तरह से पानी लबालब नजर आ रहा है, तो अन्य इलाके, अन्य जनपदों के हालात किस तरह के होंगे? कई दुर्घटनाओं की तस्वीरें सीधे ऑनलाइन टीवी ने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। समझा जा सकता है कि कहीं जगहों पर प्रशासन की नाकामी है, तो कई जगहों पर जो जनता है वो खुद से जागरूक नहीं है। बरसात का सीजन है, लोगों को खुद से अलर्ट रहना होगा, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर या गदेरे जो नाले हैं उनमें पानी के बहाव में बह रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जानमाल का नुकसान हो रहा है। तो शासन प्रशासन की लापरवाही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जी अजीत, प्रशासन की तरफ से लगातार वादे किए जा रहे हैं, बातें कही जा रही है कि हम बारिश से निपट लेंगे, लेकिन प्रशासन की पोल जो है वो पानी जो है सड़कों पर तैरते हुए खुद खोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।